नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर शुरू हो गया है और अक्टूबर शुरू हो गया है तो मैं सर्दियों के जो फूल होते हैं ना उनकी तैयारी तुम पहले से कर रहे हैं, लेकिन टाइम कुछ कुछ टाइम में बीच बीच में उनमें और भी बहुत से काम करने होते हैं। ये देखिए मेरी गुलदाउदी है, ये मेरी पिछले साल की गुलदाउदी है और मैंने देखिए अभी तक बचा कर रखा हुआ है इनको और कितनी अच्छी खासी देखिए इनकी हाइट हो गई है, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत बुशी भी हैं, बहुत बुशी हैं और इस साल ये जल्दी ही फ्लावरिंग करेंगे क्योंकि ये पिछले साल के पौधे हैं तो उनकी हेल्थ और हाइट तो काफ़ी अच्छी खासी है और ये बुशी भी बहुत हो गए हैं। तो ऐसा अभी क्या काम करना ज़रूरी है कि हमारे पौधे और ज़्यादा बुशी हो जाएं, उसके लिए काम बहुत ज़रूरी जो करना पड़ेगा। देखिए गुलदाउदी के कुछ पौधे हैं जो मैंने अभी करीब 8-10 दिन पहले लगाए हुए हैं और फिर भी देखिए इनकी कितनी अच्छी खासी हेल्थ है और ग्रोथ भी अच्छी चल रही है, सारे पौधे बहुत हेल्दी हैं। तो अभी बहुत ज़रूरी है कि आप वो काम करें, वो ये काम है कि जितने भी आपके पौधे लगे हैं ना गुलदाउदी के, उन सबकी जो है कि ये जो टिप होती है ना ऊपर से ये वाली, ये टिप इतना आप हटा दीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये टिप नहीं हटाएंगे तो ये बुशी नहीं होगा, फिर ये दो ही ब्रांच निकलती रहेगी या बहुत ज़्यादा 3-4 ब्रांच हो जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और ये आप इसकी प्रूनिंग कर देंगे ना तो प्रूनिंग करने के बाद क्या होगा कि आपकी जितनी पत्तियां हैं ना पौधे में निकली हुई है पौधे में, उन सब पत्तियों के पास से एक एक ब्रांचेज निकलेंगी। अगर 10 पत्तियां हैं 10 ब्रांचेज निकलेंगी और 10 ब्रांचेज में से फिर और ब्रांचेज निकलेंगी, उनकी फिर प्रूनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो फिर वो पौधा उतने का उतने ही रह जाता है, इसीलिए गुलदाउदी के पौधों में आप जितनी प्रूनिंग करेंगे ना वो पौधे आपके उतने ज़्यादा बुशी और हेल्दी होंगे और उसमें उतने ही ज़्यादा मात्रा में फूल आते हैं। ज़्यादा फूल पाने का भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है ये प्रूनिंग करना, और प्रूनिंग भी ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कर लीजिए, प्रूनिंग करने का भी टाइम होता है। अगर आप सही समय से प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपके गुलदाउदी के पौधे अच्छी फ्लावरिंग नहीं भी करते हैं। जैसे देखिए ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था और ये बहुत अच्छी ग्रो भी हो गई है, तो इसकी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही प्रूनिंग की है। तो देखिए प्रूनिंग करने के बाद देखिए यहाँ से मैंने प्रूनिंग की थी और देखिए कितने सारे ब्रांचेस निकली हैं और नीचे से भी निकली हैं, तो ये पूरा पौधा मेरा बहुत बुशी लग रहा है देखिए। और ये पौधे तो मेरे सारे सब पिछले साल के हैं, तो इसकी मैंने जो कि पहले जो कि इसकी जुलाई या अगस्त में शायद प्रूनिंग कर दी थी मैंने, तो देखिए कितने लंबे लंबे हो गए हैं बड़े बड़े से, और बस उनकी भी एक एक बार और प्रूनिंग करनी है क्योंकि ये प्रूनिंग की भी एक लिमिट होती है और पौधों की हाइट बढ़ने की भी एक लिमिट होती है और बुशी होने की, फिर तो उससे ज़्यादा वो नहीं होते हैं। तो इस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ज़रूरी हैं गुलदाउदी में बहुत ज़्यादा फूल पाने के लिए और गुलदाउदी घना करने के लिए, तो ये टिप जरूर फॉलो कीजिएगा। आपने अपनी गुलदाउदी में ऐसा नहीं किया है ज़रूर प्रूनिंग करिए उसकी, क्योंकि लेट प्रूनिंग करेंगे तो लेट प्रूनिंग के नुकसान भी कुछ होते हैं कि कम फूल मिलेंगे आपको। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर भी मेरा एक पेज है इसी नाम से पूनम टेरेस गार्डन, उसको भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।